हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों कल यूट्यूब पे कुछ 3 नए अपडेट्स आए थे, लेकिन मैंने इस पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं दोस्तों घर पर नहीं था, बाहर निकला हुआ था। तो फिलहाल जो भी हो, मेरे ऑडियंस हैं तो आप लोगों तक वो नए अपडेट को पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। तो बने रहे वीडियो पे दोस्तों एंड तक, मैं बताऊंगा कि यूट्यूब का ये 3 नए अपडेट क्या है एंड इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। एक्चुअली इससे हमारा बेनिफिट है कि इससे हमें हमारे तेजी से हम अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही अपडेट्स आए हैं, तो बने रहे वीडियो पे एंड तक और चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हो डिजिटली, तो आपको प्रमोट करने के लिए क्या होता है कि आपको कुछ बैनर्स बनाना पड़ता है, ठीक है। वो आप फोटोशॉप से अगर करवाओगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर खर्चा पड़ जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो मैं आप लोग एक ऐप के बारे में बताऊंगा जहां से आप लोग फ्री में यहां पर फ्रेम्स, बैनर्स, टेम्पलेट्स ऑलरेडी आपको बना हुआ मिलेगा और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपने बिजनेस से रिलेटेड बैनर्स बना सकते हो। दोस्तों इस ऐप का नाम है ब्रांडस्पॉट 365, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप इसको जैसे ही ओपन करेगा आपको अपना फोन नंबर OTP आएगा, दे देना है, आपका अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारा टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए नजर आएंगे जहां पर बहुत सारा फ्रेम्स भी दिखेगा। अगर मान लीजिए आपको बिजनेस का फ्रेम बनाना था, फ्रेम सेक्शन पर जाइए और अपना कैटेगरी चूज कर लीजिए, आपको बहुत सारा कैटेगरी मिलेगा। लाइक डेली बेसिस पर आपको जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, मोटिवेशनल, इस तरह के बहुत सारे कैटेगरीज है। आप अपने हिसाब से कैटेगरी चूज कर लो, कोई भी एक फ्रेम को चूज कर लो जो आपको पसंद है और उसमें अपना मोबाइल नंबर, बिजनेस डिटेल दे करके आप फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप अपने किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हो। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको बने हुए कुछ वीडियोस भी मिल जाता है, एनिमेटेड वीडियोस, जिन वीडियोस को भी आप अपने इंस्टा स्टोरी, सोशल मीडिया कहीं भी शेयर कर सकते हो। अपने हिसाब से वीडियोस भी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से चूज कर लो और अपने वहां पर थोड़ा सा एडिट वेडिट करके अपना बिजनेस का नाम, मोबाइल नंबर, ये सब ऐड करके आप यहां पर वीडियोस भी बना सकते हो। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको एक कस्टम का जो है सेक्शन मिलता है जहां से आप क्लिक करके आप अपना कस्टमाइज करके अपना बैनर या फ्रेम, वीडियो कुछ भी बना सकते हो। जैसे कस्टमाइज करना है तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिलेंगे, आप उसको कंप्लीटली जो है एडिट कर सकते हो, आप उसमें कई सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, नंबर ऐड कर सकते हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये जो है सारा फीचर्स आपको ब्रांडस्पॉट 365 पे मिल जाता है जहां से आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट कर सकते हो। एंड गाइस यहां पर आपको रेफर वाला भी प्रोग्राम है, अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हो, अगर 5 लोग इसको सक्सेसफुली अगर रजिस्टर करता है, अकाउंट बनाता है, तो आपको 1 ईयर का यहां पर जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री में मिलेगा। एंड गाइस अगर आपका किसी भी कैटेगरी का अगर बिजनेस है, मान लीजिए ज्वेलरी है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, टेक है, किसी भी प्रकार का है, तो आपको सब कुछ यहां पर जो है एलिमेंट्स मिल जाएगा जिसको ऐड करके आप यहां पर फ्रेम्स या फिर कुछ भी बैनर वनर बना सकते हो। तो दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाकर के डाउनलोड कीजिए और अपना अकाउंट बनाइए और अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए। तो दोस्तों अब फाइनली बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट आया है वो आया है यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर के। दोस्तों यूट्यूब शॉर्ट्स पे क्या होगा कि अब आप अगर यूट्यूब के बाय डिफॉल्ट कैमरे से अगर शॉर्ट्स कैमरे से शॉर्ट्स बनाओगे तो वहां पर आप लोगों को पहले से ही ऑडियो लाइब्रेरी मिलता था, मतलब यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी ऑलरेडी बना हुआ है जहाँ से आप यूट्यूब से ही बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे म्यूजिक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने शॉर्ट वीडियोस पे। लेकिन पहले क्या था कि काफ़ी लिमिटेड था, लिमिटेड सॉन्ग्स एंड म्यूजिक्स था। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि और भी ढेर सारे म्यूजिक एंड सॉन्ग्स को ऐड कर दिया गया है जिससे आप एक अच्छा शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड दोस्तों शॉर्ट्स तो बनाना ही चाहिए, आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने से आपका बेनिफिट है, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए जो फंड है वो मिलना शुरू हो चुका है और आपको भी मिल सकता है अगर आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल होता है। तो ये एक नया अपडेट है जहां पर यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपको काफ़ी ज़्यादा अब म्यूजिक अवेलेबल है जिनको आप यूज करके शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड दोस्तों अब चलते हैं दूसरे अपडेट की। एंड गाइस जो दूसरा अपडेट आया है वो आया है यूट्यूब के स्टोरीज को लेकर के। यूट्यूब पे दोस्तों आप लोग स्टोरी डाल सकते हो, लाइक जैसे आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो उसी तरह से जस्ट आप यूट्यूब पे भी अपना स्टोरी डाल सकते हो। अब यू स्टोरी डालने से यूट्यूब पे आपका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि दोस्तों ये स्टोरी का जो रीच है वो यूट्यूब पे ज़्यादा होता है हर एक चैनल पे। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ तक कि मैं भी डाल करके देखा हुआ हूँ। अगर मैं किसी चीज़ का स्टोरी डालता हूँ ना तो उस पर क्या होता है कि मेरा एवरेज व्यू अगर 100K आता है पर वीडियो व्यू, तो वहाँ पर मेरा 3-4 लाख स्टोरी व्यू आ जाता है। तो स्टोरी पर इतना व्यूज़ क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों यूट्यूब क्या करता है कि यूट्यूब पे जैसे आप लोग का जो वीडियो होता है उस वीडियो को जैसे यूट्यूब अननोन पर्सन तक रीच पहुँचाता है, अननोन लोगों तक पहुँचाता है, उसी तरह का यूट्यूब क्या करता है कि आपकी स्टोरी को भी अननोन पर्सन तक पहुँचाता है, अननोन ऑडियंस तक पहुंचाता है। जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी आपकी स्टोरीज को देख सकता है, इसीलिए आपको स्टोरी क्रिएट करना तो जरूरी है जिससे आप अपना सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। अब स्टोरी पे अब नया अपडेट ये है कि आप स्टोरी पे अब अपने मनचाहे फोटो या वीडियो को भी ऐड कर सकते हो गैलरी के खोल करके, मतलब स्टोरी टैब पे आपको गैलरी का भी ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा जहां से आप अपने कोई भी मनपसंद फोटो या फिर वीडियो को ऐड कर पाओगे। ये है दोस्तों दूसरा अपडेट जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। एंड दोस्तों आप चलते हैं तीसरे अपडेट की ओर। तीसरा अपडेट एक YT स्टूडियो जो एप्लीकेशन है उसको लेकर आया है। YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे अब क्या होगा कि एक नया अपडेट किया जा रहा है जिससे आपको क्या होगा कि YT स्टूडियो एप्लीकेशन का जो इंटरफेस होता है, जैसे आपको वॉच टाइम दिखता है, व्यूज दिखता है, अर्निंग दिखता है एंड वीडियोज का लिस्ट दिखता है, अब आपको नीचे में एक बार दिखेगा
और बार पे जैसे YouTube के एप्लीकेशन पे आपको एक बार दिखता है नीचे में, जैसे शॉर्ट्स का सेक्शन है, होम का सेक्शन है, सब्सक्रिप्शन का सेक्शन है, उसी तरह से वहाँ भी आपको एक बार दिखेगा और वहाँ पर आपको बार पे जो है एनालिटिक्स का एक मिलेगा, डैशबोर्ड मिलेगा, वीडियोस मिलेगा, अर्निंग मिलेगा, कमेंट्स मिलेगा, इस तरह करके एक बार आपको वहाँ पर दिखेगा। तो ये चीज़ अभी बीटा अपडेट में है, आपको हर एक कोई क्रिएटर को ये मिल जाएगा धीरे धीरे अपडेट जैसे ही करोगे। एंड ये तीन अपडेट दोस्तों यूट्यूब पे आया हुआ था कल के डेट पे, एंड आई होप आज को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। नए अपडेट्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा, एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।